अब हमारा चैनल उन लोगों के लिए सीडी ऑडियो स्टोरी बना रहा है जो हिंदी में क्रॉसओवरिंग स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। अब मेरा पति मेरी सहेली की कहानी बहुत दिलचस्प है। पिक्चर तुमको कैसे मिले? यह तो बहुत पुरानी फोटो है। गरिमा, कोई खास आदमी ने भेजा है मुझे। खास आदमी मतलब? गरिमा, मतलब के तुम्हारा एक खास दोस्त। खास दोस्त? मेरा दोस्त में तो तुम सिर्फ कृष्णा को जानती हो। गरिमा, हाँ उसी ने भेजा है फोटो। ने साले को यह पिक्चर कहाँ से मिला? मैं तो इसको हर हाल में सब जगह से डिलीट कर दिए था। गरिमा, क्यों डिलीट क्यों किया? अच्छे तो लग रहे सारी में। ने अब सताना बंद करो इसको लेकर, बहुत पुरानी फोटो है, स्कूल के टाइम के वक्त। अच्छा एक्टिंग करता था मैं तब, सीता का किरदार निभाया था। गरिमा, मैं नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड के अंदर इतना नटखट सा क्यूट सा एक लड़की छुपी है। और तुम अभी भी लड़की जैसे दिखते हो, अगर पूरी तरह अपना दाढ़ी और मुझे निकाल देते हो तो। इसलिए क्या तुम कम शेव करते हो? ने अरे यार तुम सचमुच सताने लगी मुझे अब। गरिमा, नहीं नहीं सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छी लग रहे हो तुम मेकअप और साड़ी में। ने मेकअप घटिया मेकअप की थी उस मेकअप म्यान ने, मुझे आज तक यह याद है। गरिमा, अच्छा मैं अगर यहाँ रहती तो अच्छा सा मेकअप डालता, कोई पहचान नहीं सकता था कि साड़ी में एक लड़की है और लड़का। ने हाँ वह तो मालूम, कितना अच्छा मेकअप करती हो, आज तक अपना खुद के फेस में ढका मेकअप लगाई है। गरिमा, मतलब तुम मेरी टैलेंट को चुनौती दे रही हो? तुम्हें नहीं मालूम के स्वादी से पहले मैं ब्यूटिशियन कोर्स किए थे कुछ महीने। मेरी बहन की मॉडल वाली फोटो देखी है, कितना सुंदर दिखती है, सब मैंने मेकअप की थी। ने सच में पहले तो नहीं बताई तुम? गरिमा, क्यों बताती मैं, तुम रिस्पेक्ट करते भी हो मेरी किसी काम को। कितने बार बोली कि मुझे मेरी बहन के साथ एक पार्लर खोलना है, तुम कभी भी मेरी बात सुनते नहीं हो, यह सब तो तुमको बकवास जैसा लगता है। ने नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मैं कदर करता हूँ यह सब चीजें, आजकल तो लड़के भी मेकअप लगता है अपना फेस पे टिकटॉक पे। गरिमा, हाँ मुझे भी तुम्हारी फेस पर लगानी है अब, खूब उत्सुकता हो रही है मन में किसी लड़के पे मेकअप लगाने के लिए। ने क्या मतलब? गरिमा, मतलब कि मैं तुमको लड़की के रूप में देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर लगती हो कि नहीं। ने इज इन लिटिल शॉक, क्या बक रही तुम, पता है क्या बोल रही हो तुम? गरिमा, अरे सही तो बोल रही हूँ मैं, तुम्हारी अंदर छुपी हुई औरत अब निकालना है मुझे। ने क्या? गरिमा, तुम हर वक्त मर्द मत बनो मेरे लिए, कुछ समय के लिए तुम्हें मेरी सहेली भी बनना चाहिए। ने यार मैं आदमी हूँ, कोई औरत नहीं। गरिमा, तो क्या हुई, यह नहीं जानते कि हर आदमी में एक औरत होती है? ने इज एन एंगल, यह थियोरिटिकल बात मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं बनना लड़की बरकी, जाओ यहाँ से। गरिमा, अरे एक साड़ी और कुछ मेकअप ही तो लगाना है, तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मान जाओ ना। ने क्या यार पागलों के तरह मत करो। गरिमा, मैं कितना कुछ करती हूँ, कितना कुछ पहनती हूँ तुम्हारे खुशी के लिए, अब तुम मेरी खुशी के लिए सिर्फ एक साड़ी नहीं पहन सकती। ने नो नो, इमोशनल ड्रामा नहीं। गरिमा, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरी खुशी का कोई परवाह नहीं है, एक पति का आखिर क्या दायित्व है अपने पत्नी के लिए। ने देखो अब तुम ज्यादा ही जा रही हो। गरिमा, तो मान जाओ ना मेरी बात, बन जाओ मेरी सहेली। ने नो वे। गरिमा, देखो तुम मेरी बर्थडे पे प्रॉमिस किए थे कि मैं जो चाहूंगी गिफ्ट के बदले में वो तुम दोगे, अब तुम्हारे दिए हुए प्रॉमिस तो पूर्ण करो। ने अरे नहीं, कहा फेस गया। गरिमा, अरे उदास मत होना, यह अच्छा लगेगा तुम्हें, यह तुम्हारा और मेरा अंदर में सीक्रेट रहेगा, मान जाओ मेरी बात को, आनंद होगा, खुशी मिलेगा तुम्हें लड़की वाले ड्रेस पहन के, कम ऑन, सबको मौका नहीं मिलता ये सब करने का, एक बार पहन लिया तो तुम उतार नहीं पाएंगे, लड़की की कपड़ों में जादू है। ने कोई जादू वादू नहीं, मैं पहन चुका हूँ लड़की की ड्रेस जब मैं सीता बना था। गरिमा, लेकिन तुम अपना अंदर औरत को फील नहीं कर पाए तब, अब मैं सिखाऊंगा उसे फील कैसे करते हैं। ने इनफ, दिस इज इरिटेटिंग। गरिमा, ओके आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, गो टू हेल। गरिमा विनय से रूठी है। ने आर यू क्राइंग? गरिमा, हु केयर्स? ने ठीक है बाबा, अब चुप करो, करना जो करना है मेरे साथ। गरिमा, यस यस, चलो फटाफट शेव कर लो पूरी फेस को, अच्छे से दो तीन बार करना। ने नाउ? गरिमा, यस नाउ, दिस इज द परफेक्ट टाइम। ने लेकिन मैं सिर्फ साड़ी पहनूंगा और कोई ड्रेस ब्रेस नहीं। गरिमा, ठीक है बाबा, जल्दी शेव करके आ जाओ। 15 मिनट्स लेटर, गरिमा हो गया, अब परफेक्ट फेस है लड़की सजाने के लिए। ने ऐसा शर्माओ मत मुझे।
गरिमा, अभी तो बहुत कुछ बाकी, देखते जाओ मेरे सहेली, और हाँ यह क्रीम ले लो, हेयर रिमूवर क्रीम है, तुम्हारे शरीर में एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए है, गर्म पानी रख दिए, फटाफट से नहा के आ जाओ। विनय, अब हेयर भी निकालना जरूरी है क्या लड़की बनने में? गरिमा, मतलब मेरी शरीर में जब एक भी बाल दिखते तो तुम मेरी मजाक नहीं उड़ाते। पता है, एक तुम्हारी वजह से मैं हर हफ्ते पार्लर जाती हूँ वैक्स कराने, शुक्र मनाओ कि तुम्हें वैक्स नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ हेयर को निकालने के लिए कह रही हूँ, जाओ अच्छे से अप्लाई करना, एक भी बाल नहीं रहना चाहिए। 30 मिनट्स लेटर, विनय, यह तुम्हारा क्रीम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे है, अजीब सा फीलिंग होने लगा, देखो अब एक भी बाल बचा है कि नहीं। गरिमा, नाइस जॉब, अब यह टॉवल को लपेट लो लड़की की तरह, लड़की वाली फीलिंग आएगा तुम्हें। विनय कवर्स हर बॉडी विद अ पिंक सॉफ्ट टॉवल। गरिमा, नाइस, विनय कोई अंदर पहनने वाली चीज तो पहनने दो। गरिमा, नहीं अभी नहीं, वेट। विनय, ठीक है। गरिमा, एक काम करो, यह पेन किलर खा लो। विनय, क्यों? गरिमा, मुझे तुम्हारे कानों में छेद करनी है अब। विनय, अरे नहीं, और क्या क्या करवाओगे मुझे, अब रुक जाओ, बहुत दर्द होता है इसमें, एक बार किया था सीता माँ बनने की चक्कर में। गरिमा, दर्द नहीं होगा अब, इसीलिए तो पेन किलर दे रही हूँ, खा लो इसे। विनय हेजिटेंटली टेक्स द पेन किलर। विनय, चलो खा लिए, अब क्या करना है? गरिमा, अब थोड़ा व्यथ जाओ, एह बॉडी लोशन लो और अपना बॉडी में अच्छे से लगाना, बहुत अच्छा और लड़की जैसा फीलिंग आएगा, और 10 मिनट बाद ऊपर कमरे में आ जाना, मेरी पसंद कमरे में, मुझे और कुछ इंतजाम करना है तुम्हारे लिए। विनय, हाँ आ जाऊंगा। विनय स्टार्ट्स अप्लाइंग द बॉडी लोशन क्रीम व्हिच गिव्स हिम अ स्ट्रेंज फेमिनिन सेंसिटिविटी। 10 मिनट्स लेटर, विनय, अब आयु? गरिमा, हाँ आजो, कैसा लगा लोशन लगा के, अच्छा है ना? विनय, कमाल का है, स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई, ऐसा लगता है अब सेंसिटिव हो रहा है मेरा स्किन। गरिमा, अभी से इतना कुछ, अब बैठ उस कुर्सी पे, आंखें बंद करो, खोलना मत, 20 तक गिनो, छेद करेंगे कानों में। गरिमा स्टार्ट्स प्रिकिंग विनेज ईयर विद अ स्पेशल नीडल। विनय, आरे आउच, जल गई। गरिमा, अभी भी दूसरे कान बाकी है छेद करने में, फिर से 20 तक गिनो। डन, हो गया, अभी तुम रिलैक्स फील करोगे। विनय, बहुत दर्द हुए यार, बहुत दर्द होता है एक औरत बनने के लिए। विनय, अब क्या करने वाले हो तुम? गरिमा, तुम्हारा आईब्राउ प्लक्ड। विनय, डिस्टॉर्टेड विद रेज, बस अब और नहीं, जाने दो मुझे, और नहीं सह सकता, बहुत हो गया यह लड़की बरकी बनना। गरिमा, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब एक लड़की का बदन के सब कुछ सुंदर होगा, और बीच में आदमी जैसे आईब्रो सुंदरता बिगाड़ देगा, तुम्हें औरत बनने हैं, कोई आदमी नहीं, तुम मेरी आईब्रो देखो कितना सुंदर है, शेप में है। विनय, पर जब कोई देखेगा तो मजाक उड़ाएगा। गरिमा, फिकर मत करो, फिर जुगोल जाएगा, अभी लॉकडाउन खत्म होने में बहुत दिन बाकी है, और वैसे भी मैं ऐसा शेप दूंगा जो मेल और फीमेल दोनों को सूट करेगा। विनय, है भगवान कहाँ फंस गया। गरिमा, ड्रामा मत करो तुम, अपना आंखें बंद करो और चुपचाप सहे लो, मैं कितना कुछ सहती हूँ एक औरत होकर तुम्हें खुश करने के लिए, तुम भी थोड़ा सहे लो मेरे लिए। विनय, ठीक है, जल्दी करो। गरिमा, औरत बनने के लिए सर्वप्रथम पेशेंट होना चाहिए। विनय, ठीक ठीक है। गरिमा गिव्स अ डेलिकेट शेप टू विनेज आईब्राउ। अच्छी शेप डाला गरिमा ने। गरिमा, हो गया, आंखें खोलो अब, लास्ट बार आईने में देख लो, अभी ढक दूंगा, पूरी मेकअप के बाद ही आईने पे अपना चेहरा देख सकेंगे। विनय, अरे यह तो बहुत अच्छा दिख रही है, मैं क्यूट फेस। गरिमा, और भी अच्छे दिखोगे, मेकअप अभी लगाई नहीं। विनय, यह क्या है? गरिमा, यह आर्टिफिशियल नाखून है। विनय, ओ तुम जो लगती हो हमेशा। गरिमा, नहीं मेरे पास अभी नेचुरल नाखून है, मैंने बढ़ाया है। तुम्हारी भी नेचुरल होता तो अच्छा होता, मुझे आर्टिफिशियल कम पसंद है। विनय, हिलना मत, पेंट करने दो, पहले पेयर का नाखूनों को करेंगे, फिर हाथ का, एह पिंक कलर तुम्हें सूट करेगा, कितना अच्छा लगता है नेल पॉलिश पहनने में। गरिमा डेलिकेटली पेंट्स द नेल्स ऑफ विनय विद पिंक ग्लॉसी कलर्ड नेल पॉलिश। गरिमा, हो गया, थोड़ी देर रेस्ट कर ले नेल पॉलिश सूखने के लिए। अब ठीक है, आप यह लो टॉवल उतारो और यह ब्राटी को पहन लो। विनय, तुम्हारे सामने। गरिमा, क्यों? रात को जब नंगा होते हो मेरे सामने तब शर्म नहीं आता तुमको, अब आ रही है। विनय, ठीक है मदद करो मेरा। विनय, ठीक है। गरिमा, अभी परफेक्ट लड़की जैसा फिगर लग रही है तुम्हारे, तुम्हारे हिप्स ठीक ठाक है अच्छे फिगर के लिए। विनय, अब क्या सारी ब्लाउज पहनाओगे? गरिमा, हाँ रेडी हो जाओ। विनय, ठीक है। गरिमा, चलो यह पेटीकोट और ब्लाउज पहन लो। विनय, पर मेरे साइज का होगा यह? गरिमा, हाँ तुम पे बहुत ज्यादा फिट करेगा, पहन तो लो एक बार। विनय ना पुट्स ऑन अ ब्लाउज एंड अ पेटीकोट। विनय, अच्छा है, पर और ज्यादा फिट होती तो अच्छा होती। गरिमा, फिर भी बहुत सुंदर दिख रहे हो, अब साड़ी लपेटने के लिए रेडी हो जाओ।
गरिमा शोज विनर अ ब्यूटीफुल साड़ी सीकिंग अ सजेशन। गरिमा, यह कैसी साड़ी है, अच्छी है कि नहीं? विनर, बहुत सुंदर है, मुझे कलर भी बहुत पसंद है इसका। गरिमा, अच्छा तुम तो औरत जैसी बात करने लगे हो अब। विनर, अरे बात को ऐसा खींचो मत, पहनाओ जल्दी से। गरिमा, ठीक है। गरिमा रेजेस विनर्स ब्यूटी बाय लेटिंग हिम पुट ऑन अ ब्यूटीफुल साड़ी। शी टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू ड्रेप अ साड़ी अराउंड हिज बॉडी। एक साड़ी औरत का पहचान भी है। विनर, तुम तो साड़ी पहनाने में माहिर हो यार, इतना जल्दी पहना दिया। गरिमा, हाँ अब क्लिप लगाना बाकी है, वैसे साड़ी में तुम जांच रहे हो। विनय, हाँ यह सब तुम्हारी तो कमाल है। गरिमा, ठीक है अब बैठ जाओ कुर्सी पर, अब मेकअप लगवाना है। विनय, एह लो बैठ जाता हूँ, करो जो करना है करो। गरिमा, लगता है तुमको अब यह सब अच्छी लगने लगी है ना? विनय, हरगिज नहीं, तुम बोलो तो अभी उतार देती हूँ। गरिमा, अच्छा तो उतार दो। विनय, अरे अब तंग करना बंद करके मेकअप लगाओ। गरिमा, ठीक है चलो फाउंडेशन से शुरू करते हैं, हिलना मत, मुझे लगवाने दो अच्छे से। गरिमा नाउ स्टार्ट अप्लाइंग मेकअप ऑन विनीज फेस। विनय, हो गया। गरिमा, हाँ अभी तुम्हारी आँख। नॉर्मल मेकअप डालूंगा तुम पर, नेचुरल जैसा दिखने के लिए। विनय, ठीक है डालो, यह क्या है? गरिमा, आई शेडो है। विनय, अच्छा काजल लगा के बहुत सुंदर दिख रही थी विनय। गरिमा, हो गया अब आईलाइनर की बारी, ऐसा हिलो मत तुम, मेकअप करने में बहुत पेशेंट लगती है, यह तुम्हारी कोई ऑफिस का बिजनेस डील नहीं। विनय, ठीक है बाबा कर ले अब। गरिमा, सच कहूँ तुम्हारा आंखें करीना कपूर की आंखें जैसी दिख रही है, कोई हीरोइन जैसी आंखें हैं विनय की। विनय, अच्छा इतना अच्छा मेकअप डाला, अब आईने से पर्दा हटवा भी दो, देखना है मुझे। गरिमा, अभी रुको सबर करो, अपना फेस ऐसे करो, लिपस्टिक लगाने हैं। हो गया अब तुम दोनों होठों को थोड़ा सा ऐसा रब कर लो, नाइस अच्छे औरत हो तुम। बस हो गया, अभी गाल पे थोड़ी सी पिंक ब्लशर लगा दूँ तो हो जाएगा पूरा मेकअप तुम्हारा। होठों पे लिपस्टिक लगा के गरिमा ने विनय को पूरी औरत जैसी बना दी। गरिमा फाइनली फिनिशेस हर मेकअप। विनय, थैंक गॉड। गरिमा, अभी रुको खत्म नहीं हुआ। विनय, मतलब? गरिमा, अभी ज्वेलरी और विग लगानी बाकी है। विनय, अच्छा अच्छा तो लगायो फिर, ज्यादा मत लगाना। गरिमा, अच्छा ठीक है, ए झुमका पहन लो। विनय, तुम पहनाओ। गरिमा, ठीक है लो। विनय, मेरा कान भारी भारी सा हो गया अब। गरिमा, अब ए बैंगल्स सिति गोल्डे का है। विनय, मेरे साइज का होगा। गरिमा, तुम पहन के देखो तो सही। विनय, अरे वाह ए तो कमल है यार। गरिमा, अब विग लगानी होगी, ठहरो। विनय, तुम्हारे पास क्या मुझे औरत बनाने के लिए सब कुछ पहले से तैयार है? मुझे तो कोई तुम्हारी साजिश लग रही है, क्यों मैंने राजी हुए तुम्हारी बात पे? गरिमा, चुप करो तुम, यह सब कुछ मैं रखती हूँ इसलिए कि मैं खुद पर मेरी मेकअप एक्सपीरियंस कर सकूं। विनय, अब अच्छे से इसको कॉम करना है। गरिमा टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हर हस्बैंड इनटू अ वुमन। गरिमा, चलो हो गया सब कुछ, अब लग रही हो परफेक्ट औरत जैसी, चलो अब तुम आईने पे खुद को देख सकते हो, घबराना नहीं। विनय, इसमें घबराने की क्या बात है, चलो हटा दो। गरिमा रिमूव्स द कर्टन फ्रॉम द मिरर। विनय इन शॉक अस्टाउंडेड, व्हाट थे एह क्या कर दिया तुमने, मतलब कौन हूँ मैं, अरे कैसे किया तुम यह सब, साड़ी में सभी औरत सुंदर दिखती है। गरिमा, अब बोलो, तुम तो मजाक उड़ा रहे थे मेरी मेकअप स्किल के, अब चौंक गए ना खुद को देखकर। विनय, सच में यार तुम कमाल हो, तुम सच में आर्टिस्ट हो, मतलब लाइफ में पहली बार में खुद को देखकर इतना कंफ्यूज हो गया। गरिमा, अरे इसमें उतना कमाल की बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर छुपी हुई औरत को बाहर आने दिया। विनय, मेरे अंदर सच में क्या इतना सुंदर औरत छुपी थी, औरत और मर्द का फर्क ही अब भूल रही हूँ मैं। गरिमा, असल में नाड़ी और पुरुष में कोई अंतर नहीं होते, हम सब मनुष्य हैं, हमारे लिंग औरत और आदमी का फर्क करता है। विनय, मतलब तुम में भी एक पुरुष छुपा है? गरिमा, हाँ मुझ में भी, इस संसार का सब औरत में भी। विनय, हाँ आज तुमने यह प्रूव कर ही डाली। गरिमा, लेकिन सिर्फ एक कपड़े पहनने में और कुछ मेकअप लगाने में औरत का फीलिंग नहीं समझ पाओगे, फीलिंग को समझना होगा अपना दिल से, खुद को एक औरत मान के। विनय, अरे और नहीं, और बात को गोल गोल घुमाओ मत, मुझे एक घंटा रहना है इस तरह बस। गरिमा, तुम आदमी लोग बहुत घमंडी स्वाभिमानी होते हो, एक औरत को कभी नहीं समझना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें कह रही हो। विनय, यार ऐसा मत बोलो, कितना कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए मैं। गरिमा, मैं एक औरत होके क्या क्या करती हूँ एह तुमको पता है। विनय, तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता था तुम्हारी कोई और मतलब है। गरिमा, कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे अच्छे के लिए यह सब कर रही हूँ, तुम हमें दोष देते थे ना हर बार हर चीज में, अब एक दिन सिर्फ एक दिन लड़की के तरह रह कर दिखा दो मुझे।
विनय, यह तो चैलेंज जैसा हो गया। ठीक है, दिखा देता हूँ, अगर जीत गए तो क्या मिलेगा। गरिमा, जो चाहोगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुमको मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन औरत बनकर रहना होगा। शर्त मंजूर। विनय, मंजूर है। 5 months later, Garima tries to wake up Vinay from his bed. Garima, चलो उठो अब, आज तुम्हारा लास्ट डे है औरत बनने की, कल से लॉकडाउन खत्म हो रही है। अब तुमको कल से ऑफिस में भी तो जाना है। विनय, हाँ यार, फिर से वही बोरिंग लाइफ जीना। गरिमा, ये वो तो है। विनय, खास और कुछ दिन तुम्हारे साथ औरत बनके जी पता, अब तो यह सब आदत सी हो गया। पैंट शर्ट टाई के बदले में साड़ी, सलवार कमीज, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ऑफिस का फॉर्मल शू के बदले में लड़की वाले हील्स, सैंडल्स, अब यह सब मेरा जीवन का एक अहम हिस्सा जैसा लगता है। गरिमा, कल से यह सब कुछ बंद। खास मुझे भी लगती है, कितना सुंदर होती अगर तुम मेरी सारी जीवन एक सहेली जैसी ऐसे ही रहते। विनय, हाँ यार, बहुत कुछ सीखने को मिला तुम्हारी यह कुछ महीने का लेसन में। जीवन कितना सुंदर है अगर हम इसे ठीक से जीना और उपभोग करना जानते हैं तो। गरिमा, तुमने यह बात नोटिस की, जब से तुम औरत बने थे एक भी और किसी पर भी तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़ा नहीं हुआ। विनय, हाँ वो इसलिए कि मुझे एक औरत का असली फीलिंग उसकी मांगे अब समझ आ गया। गरिमा, हाँ एक वक्त था जब तुम यह सारी बारी पहनना नहीं चाहते थे और अब तुम्हें उतारना नहीं चाहते हो। देखा है कभी आईने में लिपस्टिक लगा लगा के, मेकअप लगा लगा के चेहरा ही बदल डाला अपना, बाल कितना बड़ा हो गया, अब दाढ़ी मूछें भी निकाल आए तो भी औरत लगेगे। विनय, मेरा तो अब हाव भाव भी चेंज हो गया। गरिमा, ऐ सही बोला तुमने, तुम ज्यादा ही लड़की जैसा बर्ताव कर रहे थे आजकल, खाने में, सोने में, बैठने में, औरत जैसा चाल ढल हो गए तुम्हारा। एक औरत बनके रहना कठिन है लेकिन सुंदर भी है, किस्मत वालों को मिलते हैं एक औरत की जीवन जीने का भाग्य। विनय, इसका जिम्मेदार तो तुम हो, तुमने ही तो यह सब करने के लिए बोला, हील्स पहनना, मेकअप लगाना, बड़े बड़े नाखून रख के उसे नेल पॉलिश से अच्छे से पॉलिश करना, लड़की का साबुन, लड़की का परफ्यूम, लड़की का क्रीम लगाना, यह सब कुछ तुमने सिखाई मुझे। अब तो डर लगता है कि अपना नॉर्मल लाइफ, मतलब के आदमी का लाइफ जी पाऊंगा कि नहीं। गरिमा, अरे टेंशन मत करो, तुम एक आदमी हो और यह जो कर रहे थे वो तो अपना अंदर औरत का मुक्ति देना, जानते हो औरत को बाहर निकालने की बजाय उसे एक मर्द के शरीर में दफना देना, बंदी बनना बहुत आसान काम है। विनय, पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमका आभारी हूँ मुझे एक नई दुनिया दिखाने के लिए। समझ नहीं पता यार कभी कि एक औरत का जीवन कितना कठिन है, कितना मुश्किल से गुजरना पड़ता है। गरिमा, पर अभी तो तुम बाहर निकले भी नहीं, औरत बनकर बाहर निकालते तो और भी मालूम पड़ता कैसे कैसे चीजें हम लोग को झेलना पड़ता है। विनय, हाँ ए पितृसत्तात्मक समाज तुम लोगों को कभी नहीं समझेगा, तबाह कर देता है तुम लोगों का इच्छा, चाह, लक्ष्य, अधिकार। गरिमा, मैं खुश हूँ कि मेरी पति इस समाज का अब नहीं रहा, उसे बचकर निकाल पाया। विनय, हाँ ए तो है, लेकिन औरत बनके मेरा बाहर निकालने की ख्वाहिश अधूरा रह गया, क्या बोलती हो। गरिमा, नहीं अधूरा नहीं रहेगा। विनय, कैसे। गरिमा, याद करे तुमने क्या कहा था, तुमने बोला था अगले साल मुझे पेरिस घुमाने ले जाओगे। विनय, हाँ बोला था। तो गरिमा, तो तब कर लेना अपना ख्वाहिश पूरी, दोनों सहेली बनकर घूमने जाएंगे यहाँ। विनय, इसका मतलब मुझे दोबारा औरत बनने के लिए करीब एक साल इंतजार करना पड़ेगा। गरिमा, क्या मतलब, तुम क्या हर दिन औरत बन के रहना चाहते हो। विनय, नहीं इसका मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब महीने में एक बार, मतलब के कुछ ओकेजन में अगर तुम मौका देते मुझे औरत बनने में तो अच्छा होता, मुझे खुशी मिलेगी और तुम भी। गरिमा, जानता था मैंने बोला था ना, लड़की की कपटों में जादू है, चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। विनय, अरे क्या बात करते हो, तुमको अगर मीठा खाना पसंद आ गए तो रोक पाओगे क्या खाने से, मना कर दोगे। गरिमा, लेकिन हमारे जीवन में कुछ पसंद अपसंद इस समाज ठीक करता है, हम लोग खुद नहीं। विनय, पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि समाज ने लड़कों के लिए पैंट शर्ट चुना तो सभी पैंट शर्ट और उसके अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। गरिमा, बेहेस मत करो, तुमको मालूम है कि इस समाज एक लड़के लड़की का कपड़ों पहन ले तो उसे कितना बुरी नजर से देखती है, क्योंकि यह पुरुषतांत्रिक समाज है, यहाँ कोई अच्छा, नई चीज, नई बातें, नई भावनाएं एक्सेप्ट नहीं होती। विनय, अरे समाज को मारो गोली, उसका काम है बोलना, तुम अगर सपोर्ट करती हो तो मेरे लिए उतना ही सब कुछ। गरिमा, मैं तो तुम्हारा हर एक चीज सपोर्ट करती हूँ। विनय, अब यह हुई ना बात। गरिमा, ठीक है अब जाओ मेरे सामने से नहा लो, मैं एक साड़ी तुम्हारे लिए रखती हूँ, उसे पहन के तैयार होकर किचन में आ जाना, आज दाल पकाओगे तुम। विनय, अरे नहीं दाल नहीं आज, कुछ और। गरिमा, तो अंडे करी बनना। विनय, यह सही है।
विनय सडनली गेट्स इमोशनल। गरिमा, क्या हुआ, फिर इमोशनल हो गए आप तो। विनय हग गरिमा टाइटली। विनय, यार तुम बहुत ही अच्छी पत्नी हो, कोई हूर हो तुम, जो मेरे नसीब में आए हो, जीवन बदल डाला मेरा, क्या था मैं, क्या बना दिया मुझे। गरिमा, ऐसा फुलाओ मत मुझे, चलो अब। विनय, यार तुम्हें वादा है, मैं तुमको कभी निराश नहीं होने दूंगा, हम सदा एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे, मैं जीवन भर तुम्हारी पति नहीं, एक दोस्त बनके रहूंगा। अभी से शुरू हुए विनय के अंदर औरत की सफर समाप्त।